कहता है वोटर की टीम पहुंची है अनूपपुर विधानसभा सीट पर। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये रेलवे क्रॉसिंग है जहां से होकर मालगाड़ी गुजर रही है और इसके ऊपर बन रहा है ये आरओबी। इस आरओबी की बीते 20 सालों से दरकार थी क्योंकि पुराने अनूपपुर शहर के पुराने हिस्से को नए हिस्से से जोड़ने के लिए ये पुल तैयार किया जा रहा है, लेकिन 20 साल के बाद ये पुल बनना जरूर शुरू हुआ है लेकिन अभी भी इसके बनने निर्माण की जो गति है वो कछुआ चाल से हो रही है और इस पुल के लिए अभी लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस पुल जहां पर ये पुल ख़त्म होगा वहां पर अनूपपुर का जिला अस्पताल है जहां पर मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अनूपपुर शहर उन देश के 5 बड़े टॉप शहरों में शामिल है जहां पर सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन यदि कोई अस्पताल तक पहुंचना चाहता हो तो उसको घूमकर यहां पर अस्पताल में पहुंचना पड़ता है। तो क्या अनूपपुर विधानसभा का विकास भी इसी धीमी गति से हो रहा है, हम जानेंगे कहता है वोटर की टीम के साथ। अगर आपको जाना है मार्केट तो आपको कम से कम 3 किलोमीटर का रन लेना पड़ेगा। वो रन आपकी फ्यूल कॉस्टिंग भी आपके दे रहा है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है। एजुकेशन के बेसिस पे यहाँ पे और इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। कई ऐसी अगर अपन इंस्टीट्यूट्स देखें तो उतने यहाँ पे उतने लेवल के नहीं है, अपन कुछ भी चाहेंगे तो बाहर जाना पड़ता है पढ़ने। इस प्रकार से हमारा दुकान रखे, हमारी इधर रास्ता बनाने के लिए बोले कलेक्टर साहब तुरंत, समझ लीजिए नकल रास्ता बनाना है कुछ हो, हम दुकान से परेशान है, कोई आता नहीं हमारे इधर और ना ये कुछ ग्राहक ना कोई, और रास्ता की परेशानी देख रहे हैं, सामने दिख रहा है ये रास्ता पूरा उबड़ खाबड़ है पूरा, उधर सब निकल जाते हैं वो भी पानी बरसता तो यहाँ कोई आते नहीं, समझ लीजिए इतना परेशान है। 4-5 दुकान सब देखिए शटर बंद है, वो शटर चारों शटर बंद है, मतलब परेशान मत रास्ता। जैसे बहुत सारी दिक्कतें हैं, हमारा घर है यहाँ तो साइड में रोड नहीं है, पानी भरा है, नाली जाम रहती है और कई सारी दिक्कतें हैं, धूल बहुत ज़्यादा है और इतने स्लो काम होने से ना यहाँ पे रोड चालू हो पा रही है, जो बिजनेस है सबका ठप पड़ा हुआ है। थोड़ा होता भी यहाँ बोले कि यार तुरंत साफ करके यहाँ रोड बना दीजिए, तो ये बोल रहे हैं कि बस हो गया, उधर थोड़ा बना के चले गए, उसके बाद भी कलेक्टर साहब आए तो देखिए ना पर्दा डाल दे, दुकान पूरा बंद हो गया हमारा, समझ दिन ख़त्म हो, 10 रुपये का धंधा नहीं होता हमारा। परेशानी तो बहुत जाती है क्योंकि ग्राहक भी नहीं आ पाते हैं तो हम लोग को दिक्कत होती है, पानी में बारिश होता है तो पूरा रास्ता ही जाम होता है, जा ही नहीं पाते हम लोग। कितने साल से बन रहा है पुल? 2-1.5 साल हो गए से। लाडली बहना योजना का 1000 रुपये मिला क्या आपके यहाँ? अरे वो 1000 में क्या हो जाएगा, 1000 में बताइए आजकल क्या होता है? मिला किसी को? हाँ मिला है हम लोग के अगल बगल बाल बहुत लोगों को मिला, लेकिन वो काम का नहीं है क्या? 1000 रुपये 1000 रुपये महीना क्या है बताइए आप, आज के समय में तो यहाँ 20,000 भी बहुत कम पड़ रहा है, तो 1000 का क्या वैल्यू है? महंगाई के हिसाब से 1000 क्या है? यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा आपने, 2 बिल्डिंग अभी निर्माणाधीन है, 1 लगभग बन के पूरी हो गई है, लेकिन इनमें क्या डॉक्टर की कमी, जैसे हमारे पास ENT का डॉक्टर नहीं है, एब्डोमिनल का नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है और कार्डिक सर्जन तो है ही नहीं यहाँ पे, वो पॉसिबल ही नहीं है, तो लोगों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है, फिर हमें छत्तीसगढ़ जाना पड़ता है या फिर हमें जबलपुर जाना पड़ता है। अभी तो लाडली बहना योजना कर रही सपोर्ट, लेकिन महंगाई उसके अलावा बहुत है ही है अभी। तो लगता है कि चुनाव में आप ये सब चीज़ें देखेंगे वोट डालने से पहले? देखेंगे क्यों नहीं देखेंगे, वोट डालने के पहले देखें उसके बाद फिर वोट डालेंगे ना। ये पूरे इंडिया के अंदर 5वें नंबर की रैंकिंग आती है जहाँ पर एक्सीडेंट होने के बाद मृत्यु हो जाती है, उसको कोई डायग्नोस नहीं हो पाता है, तो उसके कारण केंद्र सरकार ने हमें एक अभी बिल्डिंग दी है, वो निर्माणाधीन है, उसका काम चल रहा है और देखिए कब तक चलता है। कहता है वोटर की टीम पहुंची है अनूपपुर विधानसभा सीट पर।
ये विधानसभा सीट इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर बिसाहू लाल सिंह जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन 2020 में वो दल बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे और इस समय शिवराज सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए अनूपपुर विधानसभा का विकास कितना हुआ है यहाँ की जनता से हम जानेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि पुल की जो मांग थी कई सालों से चली आ रही थी और अभी भी जो निर्माण हो रहा है वो बहुत धीमी गति से हो रहा है। लेकिन पुल के अलावा और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार अनूपपुर विधानसभा में गूंजने वाले हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, आपने पुल का मुद्दा बिल्कुल सही बताया। आज की डेट पे पुल जो है इस शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे अनूपपुर विधानसभा नहीं बल्कि जिले के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। आप देख सकते हैं पिछले एक साल से रेलवे क्रॉसिंग बंद है। रेलवे का आज तो पुल तो बन रहा है ना, पुल गति से बन रहा है, पुल बन रहा है ये बताइए, वो सनई सनई बन रहा है, कितने साल में बन के तैयार होगा? हर चीज की एक लिमिट होती है काम करने की, उसका एक कार्य दिवस होता है कितने दिवस के अंदर पूर्ण किया जाएगा। अब वो 10 साल में बनेगा तो ऐसे पुल का क्या मतलब? पुल नहीं बना लेकिन कई अस्पताल की बिल्डिंग का निर्माण कार्य जारी है। यहाँ के सर हमको बेरोजगारी और ये महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है तो जनता क्या करे, किसान परेशान है। किसानों का मूल समर्थन मूल मिल रहा है, किसानों को 15-20 रुपए गेहूं खरीदा जाता है, अगर कोई लेने जाएगा आटा तो 40 से 50 रुपए आटा मिल रहा है, टमाटर 120 रुपया है, ये पेट्रोल इतनी तो किसान करेगा क्या? रोजगार की बात हो रही है, चचाई प्लांट भी यहाँ पर है तो क्या यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल पा रहा है स्थानीय लोगों को? सर यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, भाजपा के द्वारा जो भाजपा के लोग हैं उनको सिर्फ यहाँ रोजगार दिया जाता है, सिर्फ कमीशन पे उनको रखा जाता है, भाजपा के लोगों की ही रखा जाता है वहाँ। चलिए विधायक प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप बता दीजिए बीजेपी का कब्जा है इस सीट पर, मंत्री भी हैं, उस लिहाज से यहाँ पर विकास उस रफ्तार से तो नज़र नहीं आ रहा। देखिए विकास का रफ्तार आपको तभी दिखेगा, क्या है कुछ लोग पहले से ही चश्मा लगा लेते हैं, उस चश्मे से उनको विकास वो देखना ही नहीं चाहते। अगर आप विकास देखना चाहें तो हमारे जिले में माननीय हमारे जो मंत्री जी हैं विकास पुरुष जिनको कहा जाता है उनके द्वारा इतनी सारी यूएलबीज का मतलब हुआ आपका अर्बन लेजिस्लेटिव बॉडी जो अपन नगर जो बनाई गई उनके द्वारा, तो ये सब विकास के ही पर्याय हैं सारे। तो विकास विधायक जी का काम कैसा है? जब तक कांग्रेस में रहे विकास हुआ है, जब से भारतीय जनता पार्टी से लेने वाला काम है। जब जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप एक चश्मा पहन लेंगे और उस चश्मे से जो देखना चाहेंगे वही दिखेगा आपको। अच्छा ये क्या माने, ये दल बदलने के बाद पूरी बीजेपी एक साथ है यहाँ पर, एकजुट है क्या यहाँ पर? सर अगर हम विकास की बात करें तो हमारे माननीय मंत्री जी ने विकास ही विकास किया है। लेकिन वो गिनवा तो आप एक ही रहे हो कि शहरी क्षेत्रों के विकास का काम। मुझे मौका दीजिए, एक दो और बता दीजिए। आपको मैंने अनूपपुर के इतिहास में मैंने बता दिया जो सबसे बड़ी बिल्डिंग जो एक तैयार हो रही है सर, उसके बाद उन्हीं के कार्यकाल में जो ये बहुत बहुप्रतीक्षित जो ये ब्रिज है उसका काम भी शुरू हुआ और वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। आप तो इतनी धीमी गति से, वो तो बता रहे 1.5 साल हो गया सर, किसी भी काम को सर बेस लेवल से जब बेस लेवल से सर डेडलाइन है उसकी। चलिए डेडलाइन है उसकी, ब्रिज तैयार हो जाएगा। आप बताइए क्या नजर आ रहा है यहाँ विधानसभा में, विकास नजर आ रहा है? जी विकास जरूर नज़र आ रहा है। अगर आप विकास के नज़र से देखना चाहेंगे तो विकास जैसे भैया ने कहा कि आपने अपना जो चश्मा, अगर चश्मा आप सही तरीके से एकदम बैलेंस करके देखोगे ना भाजपा ना कांग्रेस, तो आपको विकास जरूर दिखेगा अनूपपुर में माननीय। लेकिन यहाँ तो गड्ढे हमको नजर आए सर, सड़कों पर तो गड्ढे नजर आए। गड्ढे इसलिए नजर आए यहाँ पर जो भी जिला प्रशासन में अधिकारी जो बैठते हैं, मैं किसी जनप्रतिनिधि को दोष नहीं दूंगा, परंतु जब यहाँ पर सभी जानते हैं नंद कुमार जी कलेक्टर थे तो राजनीतिक व्यक्तियों की जरूरत नहीं पड़ी और विकास की गति तभी आई। इसी प्रकार जो अभी कलेक्टर आए हुए हैं 2-3 महीने से, तो ये थोड़ी विकास की गति को तेजी कर रहे हैं। अच्छा। जैसे अपना ओवर ब्रिज बन रहा, पूरे तालमेल के साथ होता है विकास, प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, तालमेल तो बहुत जरूरी है सर। तालमेल है सर, लोगों के व्यक्तिगत विकास के साथ साथ भी सामाजिक विकास के साथ, क्षेत्रीय विकास के साथ साथ ही शिक्षा स्वास्थ्य और हर चीजों पर सरकार ने ध्यान दिया है। अभी लाडली बहना के कार्यक्रम हुए, इतने उत्साहित हैं लोग। अभी आदिवासियों के लिए हमारी गौरव यात्रा निकली थी, उसमें भी इतने सारे काम हुए हैं। अनूपपुर में कोई ऐसा चीज़ नहीं, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़कर एक छोटे शहर में इतना विकसित क्षेत्र मध्य प्रदेश में आप नहीं देखेंगे। यहाँ पर आप जो भी ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एक छोटे शहर में सारी चीज़ें हैं। अभी शिक्षा क्षेत्र में
प्रधानमंत्री अभी बीते 5 सालों की बात करें तो कौन से काम नए शुरू हुए? बीते 5 साल में बहुत सारे काम शुरू, हमारे जैसे ब्रिज का काम थे शुरू हुआ और ये लगभग फाइनल स्टेज में, मतलब 1-6 महीने में बन जाएगा। अभी हमारे अस्पताल 2 तरह से, हमारे 45 डॉक्टर हैं इस समय, एक हॉस्पिटल तो बन के तैयार हुआ, दूसरा हॉस्पिटल एक्सीडेंटल जोन के उससे आया है, इसके काम लगभग बहुत तेजी से चल रहा है और गांव-गांव जब आप जाएंगे सड़कें मिलेंगी आपको। हमारे 2 पॉइंट है, सभी जनप्रतिनिधि, मैं अधिवक्ता हूँ, अभी हमारे यहाँ 32 करोड़ का भवन के लिए स्वीकृत होना था राशि, कई बार राशि स्वीकृत होकर वहाँ से वापस चली गई, न्यायालय भवन की, आप उसकी हालत देखेंगे, कभी कुछ घटना घट सकती है उसमें। इस मुद्दे को लेकर मैं विधानसभा भी रखवाया था, आप एक जैसे एक मीडिया वाले मिल गए थे, उन्होंने मेरी पूरी बात रखी, परंतु अभी तक उस भवन के लिए कोई नहीं सोच रहा। इसी प्रकार जर्जर है, पूरी तरीके से जर्जर है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्लेरिफिकेशन दे दें, इसके लिए 6 करोड़ का बजट अभी बजट सत्र में पास हुआ है और उसका काम शुरू होने वाला, जगह भी आवंटित नहीं था, जगह आवंटित हो गया, जगह का चयन हो गया है, इसलिए काम जल्दी शुरू। चलिए, न्यायालय भवन भी बनेगा, न्यायालय भी भवन। अभी बहुत इन लोग जो कह रहे हैं कि विकास पुरुष, उस विकास पुरुष को विकास पुरुष कांग्रेस ने बनाया था, 40 साल कांग्रेस ने बिसाऊ लाल जी को पाला पोसा और बिसाऊ लाल बनाया, और विकास पुरुष जो कहते हैं अनूपपुर जिला भी दिग्विजय सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हुए बिसाऊ लाल सिंह जी ने बनवाया था, तब वो कांग्रेस में थे, भाजपा में गए हैं, पिछले 3 साल से मंत्री हैं कैबिनेट के। मैं इनसे और उनसे भी पूछना चाहता हूं कि एक काम बता दें इस 3 साल के अंदर कि एक काम भी उनने कराया। जो ये अस्पताल की बिल्डिंग है, 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी तब इसका शिलान्यास हुआ था, कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते, ये जो ओवर ब्रिज है 15 महीने की जब सरकार थी तब इसका काम जो है प्रारंभ हुआ। आज 3 साल में यह है कि कछु एक गति से चल रहा है। ये 3 साल का काम बता दीजिए, वो तो कह रहे हैं कि कमलनाथ सरकार में। पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने ये कहा कि विकास पुरुष की बात, ये कहा हमने विकास पुरुष की बातें नहीं की, ये अपने जोड़ दिए। सेकंड जो बताया कि 15 साल कमलनाथ, 15 महीने कमलनाथ सरकार थी, ये माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 साल पहले इसको स्वीकृत करके यही गए थे। हम लोग 7 साल में तो ब्रिज बन जाना चाहिए ना, 7 साल में ब्रिज बन जाना चाहिए। चलिए यहाँ पर आप लोगों से पूछ लेता हूँ, क्या कहा विकास? देखिए, खाद मंत्री बने बिसाऊ लाल जी, कांग्रेस से भाजपा में गए और गरीबों के थाली से गेहूं गायब हो गया, गेहूं गायब हो गया खाद मंत्री। कोटा जो उचित राशन की दुकान है उससे गेहूं गोल हो गया, गायब हो गया, ये विकास बिसाऊ लाल जी ने किया भाजपा में जाने के बाद। दूसरा ये क्या महंगाई का आलम देखिए आप कि 120 रुपया आज टमाटर बिक रहा है, पेट्रोल का भाव देखिए, डीजल का भाव देखिए, सिलेंडर तो 1200 रुपये हो गया। आप ये जो ऑटो चलाते हैं, ये जो पिकअप चलाते हैं, जो है स्टैंड है, ये सोचिए कि घर का बजट कैसे चलाते होंगे। 1000 रुपये लाडली बहना का, आपको लगता है कि महंगाई में ये काम आएगा? लाडली बहना और उसको अभी परे रखें, चूंकि चुनाव है इसलिए सब लोग लाली पाप दे रहे हैं, लाडली बहना को भी लाली पाप दे रहे हैं। मैं इन भाजपाइयों से ये बोलना चाह रहा हूँ कि इनसे पूछे कि ये हमारा जिला, हमारा तीनों विधानसभा में कब प्रॉपर हमारे कांग्रेस के विधायक थे, एक बार रामलाल, एक बार बिसाऊ लाल, एक बार और बिसाऊ लाल उसमें कांग्रेस में है, भाजपा में चले गए कांग्रेस से, और पूरे संपूर्ण जिले में जितने भी विकास हुए हैं सिर्फ कांग्रेस के जमाने में हुए हैं, और किसी ने किया हो तो बता दे। कौन से गिनवाओ ना, आप ही भी गिनवा दो भैया। अभी हमारे बोले ना 20 साल में आज हमारा जिला कितना डेवलप हुआ है, या आप हॉस्पिटल की बिल्डिंग आप बता रहे हो, आप कॉलेज की बिल्डिंग बता रहे हो, ये हमारे पीछे ये हायर सेकेंडरी स्कूल है, आज इस हायर सेकेंडरी स्कूल की कोई नई बिल्डिंग नहीं है, हमारे कॉलेज की कोई नई बिल्डिंग नहीं है, ये जो ओवर ब्रिज है ये 3 साल से बन रहा है, आप ये 3 साल में किए क्या हो? जो इस हमको जब इधर से उधर जाना पड़ता है तो 5 किलोमीटर जाने पड़ते हैं, अस्पताल इधर, ये तो प्राथमिकता में होना चाहिए ना, अस्पताल इस तरफ है। जब ये ब्रिज बन रहा था, बनना था, तो कांग्रेस के हमारे मित्र हैं यहाँ पर चंद्रकांत पटेल जी, ये लोग सारे लोग जाके कलेक्ट्रेट में धरना दिए कि ब्रिज नहीं बनना चाहिए। हमारे विधायक रामलाल रौतेल जी, हमने 7 बार धरना दिया अपनी सरकार में धरना दिया कि इसको ब्रिज चालू कराए। ये कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस के समय में ये जिला बना, लेकिन जिला के बनने के बाद जो स्वरूप आया, कलेक्ट्रेट बनने का, कॉलेज बनने का, पॉलिटेक्निक बनने का, आईटीआई बनने का, अभी जैसे आप कह रहे हैं एक भी काम बता दीजिए, मैं बता रहा हूँ, अनूपपुर से पगना मार्ग चले जाइए,
ये अभी डामरीकरण हुआ है, सीमेंट हुआ है, अब ये 7 किलोमीटर अभी एक काम की बात हुई ना, ऐसे 25 रोड बता दूंगा जिन रोडों लोग अभी आप जाके देख लीजिए, ऐसे लाखों यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर श्रीवास्तव मोड़ बुढ़ार जब आते हैं वहाँ से लेकर अनूपपुर और अनूपपुर से लेकर बैरी बांध तक ये रोड अभी कार्यकाल में माननीय स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे माननीय रामलाल मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है। मेरा ये कहना है कि अनूपपुर 2003 में जिला बना, कई विकास कार्य हुए, पर सबसे जो शिक्षा आज हमारा पीजी का दर्जा नहीं कॉलेज को, ये दुर्भाग्य। लेकिन पीजी कॉलेज खुल गया, गर्ल्स कॉलेज हमने भी हमारी सरकार बाकी बॉयज बॉयज कहाँ जाएंगे, चालू हो गया है। देखिए मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, बॉयज बॉयज कहाँ जाएंगे पीजी कॉलेज में, पीजी कॉलेज चालू है और 8 फैकल्टी है, सारे सारे पीजी कोर्सेज सारे फैकल्टी कोर्सेज पूरे पीजी कोर्सेज पूरे फैकल्टी की बात हो रही है। जब कांग्रेस की सभा साल कॉलेज में पीजी की सारे कोर्सेज कुछ नहीं है, मैं रोजगार की बात कर दूं, सवा साल की सरकार में कांग्रेस की यहाँ पे 22 प्रोफेसर अपॉइंट हुए थे और 3 साल में पूरे मध्य प्रदेश में 21 सरकारी नौकरी दे पाई है भाजपा की सरकार, ये रिकॉर्ड है, 21 नौकरी पूरे 3 साल में पूरे मध्य प्रदेश, ये हालत है। अरे चलो इधर कोई बताएगा, सर आप बताइए। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के विधायक थे बिसाऊ लाल सिंह, विपक्ष में रामलाल जी थे, उन्होंने अनशन किया था कि ब्रिज का काम नहीं शुरू हुआ है, अगर ब्रिज लेट है तो आप कहाँ अनशन में की बैठे हुए, कभी विधायक रहते भैया रामलाल रामलाल होते जी ना रामलाल जी ने अपनी सरकार के लिए कि आपने ना आपने ब्रिज नहीं बना पा रहे अपनी रामलाल रामलाल रोहतेल जी ने करा ना अपनी सरकार के लिए उन्होंने विपक्ष में बैठा। चलिए हमसे बोला और बता दीजिए, हाँ अब बोल दीजिए। नहीं नहीं मेरा ये कहना है कि जो विपक्ष की भूमिका होती वो भी अनुकूल में नागण है कैबिनेट। हाँ आप कुछ बोल रहे थे। हाँ। मैं कहना चाह रहा था कि एक हाइपोथेटिकल कंडीशन आभासी दुनिया इसको बनाने के में जो कांग्रेस के लोग हैं और कांग्रेस के जो पूरा शीर्ष नेता ये शुरू से यही काम करते हैं कि एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बनाना, जैसे कि इंदिरा के जमाने से, नेहरू के जमाने से, या फिर इनके जो पुराने, हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन आज तारीख तक देश से गरीबी इन्होंने नहीं हटा पाए। तो 20 साल नहीं, मैं कुछ कह लूँ, पहले मैं कह लूँ, नहीं तो सुनिए, 9 साल बारी की 5 करोड़ हो गए। अरे भाई साहब इनको पहले बताइए कि आज इस मौजूदा परिदृश्य, वैश्विक परिदृश्य में जो सारे देश हैं वो बेरोजगारी, महंगाई और स्पेशली महंगाई की मार से पूरा वैश्विक स्तर, पूरे जितने भी देश हैं वो एक मिनट वो इन्फ्लेशन रेट के ऊपर नहीं, आप कहें तो 10-10 times ऊपर जा रहे हैं, लेकिन आज भी भारत के लोग चौथी अर्थव्यवस्था तो है नहीं, लेकिन चुनाव में तो स्थानीय मुद्दे होंगे ना, चुनाव में स्थानीय मुद्दे महंगाई है ना, महंगाई, लेकिन आप महंगाई है, महंगाई है, लेकिन आप महंगाई बिल्कुल नहीं, हमारा जो महंगाई का दर है वो 5% से कम है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये क्या बात करेंगे, महंगाई और जो सारी चीजें हैं आज सभी चीजें नियंत्रण में है। आप कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, मैं दो एक मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करूंगा। पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा, आज टमाटर 100 रुपए सुपर है, महंगाई नहीं है। मैं आपको बताऊं 2014 के बाद देश की राजनीति बदली, क्या बदली कि पहले सत्ता हासिल करो, सत्ता से संपत्ति और पैसा हासिल करो, और संपत्ति और पैसा से फिर सत्ता पे आओ। ये कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा इसका उदाहरण है। ये पैसे के दम पर चोर दरवाजे सरकार बनाए हैं। 2023 में मध्य प्रदेश की जनता इस सरकार को 2014 के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा जो इन्होंने कहा कि 2014 के बाद क्या बदला, तो सर 2014 के बाद ये बदला कि पूरा विश्व पूरा वर्ल्ड आज हमको जिस नजरों से देख रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, ये इम्पोर्टेंट है 2014 के बाद ये बदला। और डबल इंजन की सरकार में, हमारी जो डबल इंजन की सरकार है उसमें आपको नतीजा जो है वो ज्यादा नहीं 6 महीने बाद देखने को मिल जाए, 4 महीने बाद 5 महीने बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब अनूपपुर की जनता फैसला कर देगी कि कौन सा उम्मीदवार, कौन सी पार्टी उनके
जो परखा गया है, जिस जो उनके वोट पर कितना खरा उतरती है यहाँ की जनता तय कर देगी, तो कुछ महीनों का इंतज़ार करना होगा। लेकिन दल बदल करने के बाद कितने हालात यहाँ पर बदले हैं, यहाँ पर जनता से हमने समझने की कोशिश की, और अब इंतज़ार होगा विधानसभा के चुनाव का, जहाँ पर अनूपपुर की जनता फैसला करेगी कि कौन सा उम्मीदवार उनके वोटों पर खरा उतरता है। अनूपपुर विधानसभा से मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचे हैं, लेकिन उनके विधायक रहते हुए और मंत्री रहते हुए इस विधानसभा में कितना विकास हुआ है, उस पर हम उन्हीं से जानेंगे। मंत्री जी, हमने आप सभा कवर किया, कई तरह की शिकायतें, आपको लगता है कि 5 साल में विकास कर पाए हैं बीजेपी में शामिल होने के बाद, लगता है कि आप और रफ्तार के साथ विकास हुआ है हमारे यहाँ? हमारे बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद ही 660 मेगावाट आपका चचाई थल, हाँ, ये हमने स्वीकृत कराया। ये 220 बिस्तर का अस्पताल हुआ, ये आपके जितने सोन नदी पे पुल बन रहे हैं, यहाँ पे करीब 4-5 पुलों को हमने मंजूरी दिलाया। यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज का हुआ, आपके बच्चियों की कॉलेज भी हुआ, तो विकास तो हुआ है, इसमें भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर, अस्पताल में बता रहे हैं डॉक्टरों की कमी है? नहीं, अभी तो फिलहाल डॉक्टरों की कमी नहीं है, और जहाँ पे कमी है वहाँ पे पूर्ति की जा रही है। शहर की सड़कों की हम बात करें तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है? नहीं, सड़कों की अब देखिए, शहर ऐसे हर गांव को सड़कों से जोड़ा गया है, और अभी सड़कों का काम भी चल रहा है यहाँ पे बहुत जगह। इस शंकर मंदिर रोड है, आपके कई कई से सड़कें हैं जिनका काम अभी चालू है और चल रहा है। 2023 के चुनाव में क्या फिर बिसाहू लाल चुनाव इसी सीट से लड़ते नजर आएंगे? अभी तो उम्मीद यही है कि चुनाव लड़ेंगे, और यदि टिकट मिलता है तो क्या प्राथमिकता होंगी, यानी क्या अगले 5 साल का आपने रोड में तैयार किया है? देखिए, मैं चाहता हूँ, मेरी शुरू से ये भावना रही है कि अनूपपुर जिले का और अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र का समुचित विकास होना चाहिए, और इसी उद्देश्य को लेके आज अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहा हूं, और लगातार विकास की गति को आगे बढ़ाने का ये काम शुरू है। तो अनूपपुर ही वही जिला है जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, लेकिन यदि हम अनूपपुर विधानसभा सीट की बात करें तो इस विधानसभा सीट पर विकास जरूर हुआ है, लेकिन अभी इसमें और काम करने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 अनूपपुर।